तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं सामान वगैरह लेने, मेरे साथ माज मौजूद है। और माज क्या क्या लेना है हमें? तो हमें चावल लेने और गरम मसाले कुछ लेने बस। हाँ तो ये सब हम लेंगे साइड बाई साइड टू बाई। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बिरयानी बनाने वाला हूँ और यहाँ कराची की बिरयानी का जायका इनको चका ही दी। हाँ इनको चका देंगे, साइड टू तो गाड़ी आ रही है उड़ा देगा। तो अभी हम जा रहे हैं, हम बिरयानी मसाले तो ले लिए हैं, अब हमें लेने हैं चावल और टमाटर चिकन पता नहीं क्या क्या लेने। तो बासमती चावल लेंगे, 2 किलो बिरयानी बनाने वाले हैं हम, अब देखते हैं क्योंकि हमें यहाँ कहीं से अच्छी बिरयानी नहीं मिल रही। 12 12 12 तो गए सर, बम्बई बिरयानी का मसाला ले लिया और अभी मैं और सामान लेने जा रहा हूँ। तो चावल लेने आए थे, चावल चेक कर वाले 310 हमने चावल लिए 2 किलो 2 किलो ना 2 किलो। तो अब चावल लेते हैं, अच्छा ले रहे हैं। और क्या और कुछ तो नहीं लेना, ऑयल वाइल। सो गाइस हमने सब कुछ ले लिया, सिर्फ चिकन रह गई है। उनसे पूछेंगे कि चिकन का, क्योंकि चिकन की दुकान बंद हो चुकी है, हालत ख़राब हो गई। अगर चिकन नहीं मिली तो हालत बिरयानी कैसे बनेगी, सब चिकन का पूछते हैं। हाँ तो गाइस हम आ चुके हैं अपने होटल के किचन पे और हम बिरयानी स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स भी आ गए हैं। ये राइस और का है भाई, बाकी सामान का है, बाकी सब मसाला सामान का भी दे रहे हैं। चिकन मोल भूलिए, चिकन की ये रहा मसाला वगैरह, चिकन में मसाला लग चुका है और बाकी हर चीज़ प्रिपेयर्ड है। सबसे पहले तो हम पानी चावल भिगोएंगे क्योंकि उनमें टाइम लगता है, जब तक हम मसाला बनाएंगे तब तक चावल भीग जाएंगे। सही सही, तो ये अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। खुरैम भाई हमारे शेफ है। हाँ खुरैम भाई प्रोफेशनल है ना, अब प्रोफेशनल है, लेकिन इंशाल्लाह प्रोफेशनल बन जाएंगे भाई। ये चावल वगैरह डालो और स्टार्ट करो इंशाल्लाह। कुछ अगर हमें ना आए तो माज भाई हमें बताएंगे तो कैसे बनती है। होटल में कराची की लाज रखनी क्योंकि यहाँ पे कराची की बिरयानी। हाँ लेकिन हम कराची जैसी बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत ठंडा ये वॉश हो रहे हैं चावल, बिरयानी की चिकन धो वो लिया अच्छे से। बनाने से पहले आपको धोना लाजमी है, तो इसमें अभी मसाले डालने वाला छन्ना चाहिए, ये मिल गया। हमने चावल जो है भिगो दिए थे, अब हम वापस जा रहे हैं अपना आगे का प्रोसेस पूरा आ रहा हूँ। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं, चावल भिगो दिए थे, अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलो किचन में अभी काम असल शुरू होने वाला है। इस चूल्हे का काम बड़ा मुश्किल था, बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए, तो हम वो उसको जला रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो अब बस वो जल गया है, अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है, अब स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मैं एक बार रेसिपी देख लेता ना, सक्सेस ही बनाता। हाँ बनेगी इंशाल्लाह अच्छी। तो अब हम ऑयल डाल रहे हैं, ये ले बस ठीक है। खुरैम भाई अब प्याज डालने लगे। खुरैम भाई प्याज डालो, चलो बस बस डालो डालो। ये बनाएंगे सेक्सी से बिरयानी। बालाकोट वाले कराची की बिरयानी को भूल जाएंगे क्यों खुरैम? एक बात बताते हैं, वी आर नॉट प्रोफेशनल बट हम हाईली ट्राई कर रहे हैं कि हमसे बिरयानी बन जाए अच्छी चीज़ नहीं है ना भाई। हम बहुत तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखते हैं भाई अल्लाह मालिक है कैसी बनती है। तो ये खुरैम भाई भी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अब हम डालेंगे 2 चम्मच दे दी है बिलाल को, मतलब बिलाल अच्छे से प्याज फ्राई करो। तो हम चावल जो है बॉईल पे रख दिए हैं, अभी चमचा तो मत छोड़। मेरा मसला है, बटन पे क्या हाथ पे गिरने वाली बॉल है।
यहाँ पे जो है वो चावल भी उबलने के लिए रखे हुए हैं और यहाँ मसाला बन रहा था। अब जो है ना मसाला डालने की बारी आ गई है और खुरैम भाई मसाला डालेंगे। मैंने खोल के रख दिए पैकेट्स, दे दो दे दो। पानी डालो दो, पानी पानी लाओ, जल्दी से लाओ, कमजोर खराब है, जल्दी से जल्दी से। आपस की बातें फट गई है, पानी हम लोग ने डाला नहीं और ये देखिए क्या हाल है। अबे जल्दी ला, पानी ला, पानी ला। इसमें चिकन डालेंगे लेकिन इसकी फ्लेम थोड़ी हाई करो। हमारी हमने भले डाल दी थी, आप आए अब हिलाते रहियो, नीचे से लग ना जाए। यार ये पतीली पकड़ने वाला भी कुछ खा अभी वो कहाँ है, ग्रिप ग्रिप हो गई। चिकन डाल दी है मसाले के अंदर और चिकन भी अभी भुन रही है, बाकी ये मसाला वसाला तैयार हो जाए तो फिर जो है वो बिरयानी का कंटिन्यू करता है। हम प्रोफेशनल नहीं लेकिन हम तैयार करेंगे। प्रोफेशनल ये नहीं है लेकिन ये बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बना है, आप देख सकते हैं सिस्टम यहाँ का। और बहुत, सर्दी बहुत में, और सर्दी में बिरयानी, ओह अलग ही स्वाद। ये हमारे चावल जो हैं बॉयल हो गए हैं, वो चेक कर रहे हैं हम। तेल लगाने के लिए चावल डाल ले, इसको प्लेन कर दो। हम प्लेन कर देंगे, वाह मजा आ रहा है बनाने में। पता चल रहा है कि घर में जब हमारी मम्मी बनाती है तो कितनी मेहनत, लेकिन मेहनत भी है ऐसी बात जो बात है, मेहनत बहुत है भाई। इजी लगती है बनने में, दिखने में इजी लगती है लेकिन जो है वो बनाने में पता चलता है। हम तो मजे से खा लेते घर में। ये चावल भी तैयार, ये सालन भी तैयार। ये चावल है इंतज़ार में इस सालन की। ये भाई जी इतनी मेहनत के बाद जो है वो चावल और सालन तैयार है। अभी इसकी लेयर इसको लगानी है सालन की, और अभी ये काट रहे हैं मिर्चें, हरी मिर्चें, क्योंकि वो भी लेयर के साथ ऊपर ऊपर डलेंगी। तो खुरैम भाई यार उम्मीद है कि अच्छी बन गया, बहुत डर लगा बनेगी। यार डरने की ज़रूरत नहीं, ख़राब भी बनी तो पहली दफ़ा यार, कोई मसले वाली बात। हमें हरा धनिया नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली पुदीना से काम चला रहे थे। डालेंगे केवड़ा, केवड़ा और जर्दी का। बिरयानी बस अब दम पे चढ़ा रहे हैं यार, खुशबू अच्छी आ रही है। क्या बात है, हमें खुशबू नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, शायद बनाने वाले को नहीं आती। अच्छी आ रही है तो आई अभी, और अब डालेंगे आज जो टिक्की बन गए। क्या हुआ, टिक्की बन गए? हाँ हाँ आ रहे हैं, पहले हमारी बिरयानी तो बन जाए। अबे केवड़ा ऐसे, केवड़ा पूरा नहीं डालना होता मेरा ख्याल, हाँ वरना कड़वा हो जाता है। एक बार ना सिरके की जगह हमने केवड़ा डाल दिया था स्पैगेटी में। तो बिरयानी जो है दम पे लग चुकी है, अब 20 मिनट दम होगा, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि बहुत मेहनत की है और फर्स्ट टाइम था मेरा, तो उम्मीद है कि सबको पसंद आए। फिर बताते हैं आपको बनने के बाद क्या। जब तक हमारी बिरयानी दम पे लगी हुई, जब तक हमने बारबेक्यू बना लिया सबके लिए। अब बिरयानी की मिक्सिंग हो रही है और इतनी मज़े की लग रही है देखने में कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही प्यारी उसकी शक्ल आई है एंड आई होप कि टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब खा के देखते हैं क्या होता है। चमचा चल रहा है, बिरयानी रेडी हो चुकी है और मेरा दिल भी धड़क रहा है कि कैसी बनती है बिरयानी। आप टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनती है।
सो गाइस मैंने टेबल लगा दी है, रायता, सलाद और बिरयानी। सो गाइस हमारी बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है और हम सब यहाँ बैठे हुए टेस्ट करने के लिए। आप ये सब बताएंगे कि कैसी बनी। सो गाइस बिरयानी तो अच्छी बनी है, सोचा थोड़ा मीठा भी हो जाए जब इतनी मजे की बिरयानी है। क्यों बिलाल? बिल्कुल बिल्कुल, स्पाइसी बिरयानी के बाद मीठा, किसी मीठी चीज की तो बात ही कुछ और होती है, तो इसलिए कस्टर्ड स्टार्ट किया है। अभी देखते हैं ये कैसा बनता है। तो पहली बार ही में बहुत अच्छी बन गई, अब कस्टर्ड का देखते हैं क्या सीन है। इंशाल्लाह ये भी बन ही जाएगा, ये तो छोटी सी चीज है, मतलब तो गाइस बिरयानी वगैरह खा ली, सबको टेस्ट भी करवा दी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे लगता है कि आपको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखें, और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस लाने के लिए कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं।